तानपुर में चांदनी नाम की एक चुड़ैल रहती थी। वो रोज रात को इंसानों की बस्ती में जाकर लोगों का शिकार करके उन्हें खा जाती थी। फिर एक दिन, बेटी चांदनी, इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो? माम, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं इंसानों का शिकार करने जा रही हूँ। बेटी, मैंने बकरे की बिरयानी बनाई है, तुम उसे खाकर अपना पेट भर लो। नहीं माँ, बकरे की बिरयानी तो बेवकूफ चुड़ैल खाती है, मैं तो सिर्फ इंसानों की बिरयानी खाना पसंद करती हूँ। ना कहकर चांदनी चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद चांदनी चुड़ैल अपने साथ एक लड़की को पकड़कर वापस आती है। मुझे छोड़ दो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मुझे इंसानों का मांस खाना बहुत पसंद है, आज रात मैं तेरी बिरयानी बनाकर खाऊंगी। ये सुनकर दिव्या रोने लगती है, लेकिन तभी अचानक चांदनी चुड़ैल जोर जोर से उल्टी करने लगती है और चक्कर आकर जमीन पर गिर जाती है। तभी वहाँ चांदनी चुड़ैल की माँ सुरेखा आ जाती है। ये मेरी बेटी को क्या हो गया? बहुत कोशिश करने के बाद भी चांदनी चुड़ैल होश में नहीं आती। तभी दिव्या कहती है, आंटी मैं एक डॉक्टर हूँ, आप मेरे हाथ खोल दीजिए, मैं अभी आपकी बेटी का इलाज करके उसे ठीक कर दूंगी। सुनते ही सुरेखा चुड़ैल दिव्या के हाथ खोल देती है। उसके बाद दिव्या चांदनी चुड़ैल का चेकअप करने लगती है। अरे नहीं, लगता है आपकी बेटी को कोरोना हो गया है, आपकी बेटी रोज इंसानों को मार कर खाती है, शायद उसने किसी कोरोना पॉजिटिव इंसान को मार कर खा लिया है। सुनकर सुरेखा चुड़ैल घबरा जाती है। अरे नहीं, मैंने सुना है ये कोरोना वायरस बहुत खतरनाक है, तुम किसी भी तरह मेरी बेटी को ठीक कर दो प्लीज। चिंता मत करिए चुड़ैल आंटी, मैं आपकी बेटी को पूरी तरह ठीक कर दूंगी, मैं अभी आपको कुछ दवाइयाँ लिख कर देती हूँ, शहर जाकर आप ये दवाइयाँ लेकर आ जाइए। कहकर दिव्या सुरेखा चुड़ैल को दवाइयों की लिस्ट देती है। सुरेखा चुड़ैल अपना रूप बदल कर शहर के मेडिकल स्टोर में पहुँच जाती है और दिव्या के बताए हुए सभी दवाइयाँ खरीद कर वापस शैतानपुर लौट जाती है। फिर दिव्या जल्दी से चांदनी चुड़ैल को एक इंजेक्शन लगा देती है और थोड़ी देर में उसे होश आ जाता है। सुनो चांदनी चुड़ैल, तुम कोरोना पॉजिटिव हो, इसीलिए आज के बाद तुम घर के बाहर मत निकलना, वरना तुम्हारी वजह से शैतानपुर की सभी चुड़ैलों को कोरोना वायरस हो जाएगा। फिर उस दिन से चांदनी चुड़ैल घर में कैद होकर रहने लगती है। चांदनी चुड़ैल उदास होकर सारा दिन खिड़की के पास बैठकर बाहर देखने लगती है। अरे ये देख, चांदनी चुड़ैल तो बिल्ली की तरह अपने घर पर दबक कर बैठ गई है। ये उसकी खिड़की से जरा दूर रहो, वरना उसका कोरोना वायरस हमारे शरीर में आ जाएगा। इसे इंसानों का मांस खाने का बहुत शौक था, इसीलिए वो बीमारी हुई है उसे। मैंने सुना है ये अब ज्यादा दिन नहीं बचेगी, कुछ दिनों में इसकी मौत हो जाएगी। सभी चुड़ैलें जोर जोर से हंसने लगती हैं। ये देख चांदनी चुड़ैल गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब ये बात रानी चुड़ैल को पता चलती है तो वो चांदनी चुड़ैल के घर पहुंच जाती है। चांदनी चुड़ैल, मैंने सुना है तुझे कोरोना वायरस हो गया है, तू इसी वक्त शैतानपुर को छोड़कर भाग जा, वरना तेरी वजह से हम सभी चुड़ैलें मारी जाएंगी। नहीं नहीं रानी जी, मुझे शैतानपुर से मत निकालिए, वरना मैं कहाँ जाऊंगी। मैं कुछ नहीं जानती, ये सब तुझे इंसानों का मांस खाने से पहले सोचना चाहिए था। वहाँ दिव्या आ जाती है। ठहरिए रानी जी, आप चांदनी चुड़ैल को यहाँ से मत निकालिए, मैंने इसका इलाज शुरू कर दिया है, कुछ ही दिनों में ये पूरी तरह ठीक हो जाएगी। मैं आप सभी चुड़ैलों के लिए ढेर सारे सैनिटाइजर और मास्क लेकर आई हूँ, आप लोग इसका इस्तेमाल करिए, इससे आपके शरीर में कोरोना वायरस नहीं आएगा। और किसी से भी बात करने से पहले डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए। ये सुनकर रानी चुड़ैल खुश हो जाती है और सभी चुड़ैलों में सैनिटाइजर और मास्क बांट देती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और चांदनी चुड़ैल फिर से पहले की तरह ठीक हो जाती है। आज के बाद मैं कभी इंसानों का मांस नहीं खाऊंगी। ये सुनकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। उसके बाद रानी चुड़ैल इनाम के तौर पर दिव्या को ढेर सारे सोने के सिक्के देती है।
दिव्या उन सोने के सिक्कों को लेकर हंसी खुशी पृथ्वी पर लौट जाती है। तो आपने देखा दोस्तों कोरोना पॉजिटिव चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी बुरा काम करने से पहले हमें अच्छी तरह सोच समझ लेना चाहिए, क्योंकि चांदनी चुड़ैल की तरह आज नहीं तो कल हमें अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है चुड़ैल माँ की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चुड़ैल माँ की कहानी। कुंदापुरा गांव के जंगल में नैना नाम की एक चुड़ैल रहती थी। नैना चुड़ैल बहुत ही दयालु और अच्छे दिल की थी। वो गांव के लोगों की बहुत ही ज्यादा मदद किया करती थी। फिर एक दिन गांव में कुछ लोग आकर दो बच्चियों को पेड़ के नीचे छोड़कर चले जाते हैं। बच्चियां बहुत रोने लगती हैं। बच्चों की रोने की आवाज सुनकर नैना चुड़ैल घबरा जाती है। आवाज का पीछा करते हुए नैना चुड़ैल उन बच्चों तक पहुंच जाती है और देखती है कि बच्चे बिल्कुल अकेले हैं। उनके पास कोई नहीं था। तभी एक शेर बच्चों को खाने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी नैना चुड़ैल उस शेर को मारकर बच्चियों को अपने हाथों में उठा लेती है। अरे ये दोनों बच्चियां तो कितनी प्यारी हैं। आज के बाद मैं इन दोनों की माँ बनकर इन्हें पालूंगी। वैसे मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। नैना चुड़ैल उन दोनों बच्चियों को अपने घर लेकर गई और दोनों बच्चियों को दूध पिलाकर उन्हें सुला दिया। चुड़ैल ने उन दोनों बच्चियों को नाम दिया, एक का नाम चिंकी और एक का नाम पिंकी। चिंकी और पिंकी में पिंकी थोड़ी सी सांवले रंग की थी, फिर भी नैना चुड़ैल उन दोनों को एक समान प्रेम करती थी। चिंकी और पिंकी को पता नहीं था कि उनकी माँ एक चुड़ैल है। नैना चुड़ैल ने कभी अपना असली रूप दोनों बच्चियों को नहीं दिखाया था। हर वक्त नैना चुड़ैल उन दोनों बच्चियों की रक्षा करती थी और उन्हें अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया। नैना चुड़ैल इंसानों का खाना नहीं खा सकती थी। बकरे के मांस से ही उसका पेट भरता था। इसीलिए वो हर रात दोनों बच्चियों को सुलाकर जंगल में जाकर एक बकरा लेकर उसे मार कर खा जाती थी। एक दिन नैना चुड़ैल को चिंकी और पिंकी देख लेती हैं कि वो आधी रात को कहीं जा रही थी। चिंकी हर रात माहा में सुलाकर कहाँ चली जाती है? बाहर तो जंगली जानवर घूम रहे होंगे, अगर कोई माँ को खा गया तो? हम माँ का पीछा नहीं कर सकते, माँ हम दोनों को बहुत डांटेगी। अरे माँ नहीं डांटेगी, माँ हमारी हिफाजत करती है, हमें माँ की हिफाजत करनी होगी, चलो चलते हैं। इतना कह कर दोनों नैना चुड़ैल का पीछा करने लगती हैं। चिंकी और पिंकी देखते हैं कि उनकी माँ एक जंगल में जाकर एक बकरे को लेकर उसे मार कर खा रही थी। ये देखकर दोनों आश्चर्यचकित रह जाती हैं और अपनी माँ से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। नैना चुड़ैल पिंकी और चिंकी को देख लेती है और उनके पास आती है। तुमने तो हमें धोखा दिया है, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती, तुम तो एक चुड़ैल हो, हमें तुमसे डर लग रहा है। एक चुड़ैल के साथ नहीं रहना वरना तुम हमें भी मारकर खा जाओगी। बच्चों ऐसा मत कहो, भले ही मैं एक चुड़ैल हूँ लेकिन मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम दोनों चली जाओगी मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। पिंकी और चिंकी अपनी चुड़ैल माँ की एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती हैं। चलते चलते वो दोनों एक गांव में पहुँच जाती हैं। चिंकी अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है।
हम दोनों मेहनत और मजदूरी करेंगे, लेकिन उस चुड़ैल माँ के पास कभी नहीं जाएंगे। अगर हमें अपनी जान प्यारी है तो हमें उस चुड़ैल माँ के पास कभी नहीं जाना चाहिए। दोनों एक घर के पास जाकर एक बुढ़िया से काम मांगने लगते हैं। दोनों बुढ़िया से बहुत ही ज्यादा काम करवाती है। दोनों चिंकी और पिंकी उस बुढ़िया का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखकर उसका काम पूरा करते हैं। लेकिन काम होने के बाद वो बुढ़िया दोनों को धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। दोनों चिंकी और पिंकी एक और घर जाकर काम मांगने लगते हैं। वो औरत दोनों से बहुत ही ज्यादा काम करवाती है, लेकिन वो भी उन्हें पैसे नहीं देती और थोड़ा सा खाना देकर उन्हें वहां से भगा देती है। उस औरत ने दोनों को जो खाना दिया था वो बिल्कुल सड़ चुका था। ये देखकर दोनों चिंकी और पिंकी और भी ज्यादा दुखी होकर अपनी माँ को याद कर रोने लगते हैं। जैसी भी थी वो हमारी माँ थी, हमारा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती थी, हमें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती थी। हम दोनों ने उनके साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी की है, चलो ने ना हम दोनों चलकर उनसे माफी मांगते हैं। दोनों चिंकी और पिंकी अपने घर जाकर अपनी चुड़ैल माँ को ढूंढने लगती हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। तभी उन्हें जंगल के रास्ते एक बूढ़ा आदमी मिलता है। बूढ़ा आदमी चुड़ैल को सालों से जानता था। वो चिंकी और पिंकी को अपनी चुड़ैल माँ के बारे में सब कुछ बता देता है कि किसी ने उन दोनों को जंगल में छोड़ दिया था और नैना चुड़ैल ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। ये सुनकर दोनों रो पड़ती हैं। वो बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि उनकी माँ पहाड़ी के पास है। दोनों फौरन पहाड़ी के पास जाकर अपनी चुड़ैल माँ को गले लगा लेती हैं और उनसे माफी मांग लेती हैं। नैना चुड़ैल दुखी होकर रोने लगती है और अपनी बच्चियों को माफ कर देती है। फिर तीनों मिलकर खुशी से रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैल माँ की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है कुल्फी वाली चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कुल्फी वाली चुड़ैल की कहानी। दीवानपुर नाम के गांव में निकिता नाम की लड़की रहती थी। वो कुल्फी बेचने का काम करती थी, लेकिन ज्यादा पैसे कमाने के लालच में निकिता हमेशा मिलावट कुल्फी बेच कर लोगों को बेवकूफ बनाती थी। धीरे धीरे लोग निकिता की कुल्फी खाना बंद कर देते हैं। इस बात से निकिता को बहुत गुस्सा आता है। अरे अब गांव वालों ने मेरी कुल्फी खाना बंद कर दिया है, जिस वजह से मैं बिल्कुल पैसे नहीं कमा पा रही। निकिता गुस्से में बड़बड़ा रही थी कि तभी उसके पास एक चुड़ैल आ जाती है। सुनो लड़की, मैं तुम्हें भूतिया कुल्फी बनाकर दे सकती हूँ। मेरी बनाई हुई कुल्फी की खुशबू लोगों को अपने आप खींच कर ले आएगी, जिससे तुम बहुत सारे पैसे कमा लोगी। एक चुड़ैल हो, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? क्योंकि मुझे इंसानों का मांस खाना बहुत पसंद है। मेरी भूतिया कुल्फी खाने वाला इंसान रात को 12 बजे मेरे पास आएगा और चक्कू से अपना एक हाथ काट कर मुझे देगा। इस तरह रोज मुझे इंसानों का मांस खाने को मिलेगा और तुम्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। निकिता पहले से ही लालची और धोखेबाज थी, इसीलिए वो आसानी से चुड़ैल की बात मान जाती है। फिर उस दिन से चुड़ैल निकिता के घर पर रहने लगती है। चुड़ैल निकिता को ढेर सारे भूतिया कुल्फी बनाकर देती है। फिर निकिता गांव के सड़क पर खड़ी होकर कुल्फी बेचने लगती है। तभी वहां से गुजर रही काजल को कुल्फी की खुशबू आती है। अरे वाह, कुल्फी की खुशबू तो बहुत अच्छी है।
इतना कह कर काजल निकिता से ढेर सारी कुल्फी खरीद कर खा लेती है। लेकिन रात के ठीक 12 बजते ही काजल अपने बिस्तर से उठकर निकिता के घर पहुंच जाती है और चक्कू से अपना एक हाथ काट कर चुड़ैल को देती है। चुड़ैल काजल के कटे हुए हाथ को एक बड़े फ्रिज में रख देती है। उसके बाद काजल अपने घर चली जाती है। लेकिन अगली सुबह जैसे ही काजल की नींद खुलती है तो अपना कटा हुआ हाथ देखकर वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। लगता है रात में किसी ने मेरा हाथ काट लिया है, भगवान मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इस तरह एक एक करके उस गांव के बहुत सारे लोग भूतिया कुल्फी खाने के बाद अपने आप हाथ काट कर चुड़ैल को देते थे। कुछ ही दिनों में उस गांव के बहुत सारे लोगों के हाथ चुड़ैल के पास जमा हो जाते हैं। दूसरी तरफ अचानक इतने सारे लोगों के हाथ कटने की वजह से सभी गाँव वाले घबरा जाते हैं। इस तरह सभी लोग दहशत में जीने लगते हैं, लेकिन किसी को भी चुड़ैल के भूतिया कुल्फी पर शक नहीं होता। फिर एक दिन उस गांव में एक तांत्रिक भिक्षा मांगने आता है। तांत्रिक जैसे ही निकिता के घर के सामने से गुजरता है कि तभी उसे चुड़ैल का आभास हो जाता है। नहीं, इस घर में तो एक चुड़ैल है। उसके बाद तांत्रिक अपनी दिव्य दृष्टि से सारी सच्चाई का पता लगा लेता है। तो ये बात है, इस घर में रहने वाली लड़की पैसों के लालच में चुड़ैल की भूतिया कुल्फी लोगों को खिलाकर उनके हाथ कटवा रही है। मुझे इन दोनों को सबक सिखाना होगा। इतना कह कर तांत्रिक उसी वक्त निकिता के घर में घुस जाता है। देखो तुम दोनों ये सब रोक दो, वरना मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लगता है तू यहाँ अपनी मौत को दावत देने आया है। मैं अभी तुझे मार कर तेरी ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। ये कहकर चुड़ैल तांत्रिक पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी तांत्रिक एक बड़ी सी तलवार निकालकर चुड़ैल की चोटी काट लेता है। अरे नहीं, इस तांत्रिक ने तो मेरी चोटी काट ली। मेरी सारी शक्ति मेरी चोटी में है, अब मैं क्या करूं? चल जल्दी से सभी गांव वालों के कटे हुए हाथ उनके शरीर में जोड़ दे, वरना मैं तेरी चोटी को आग लगा कर तुझे मार दूंगा। ये सुनते ही चुड़ैल घबरा जाती है और एक एक करके सभी गांव वालों के कटे हुए हाथ उनके शरीर से जोड़ देती है। तांत्रिक तेरी बात मानकर मैंने सभी लोगों के हाथ जोड़ दिए, चल मुझे मेरी चोटी वापस कर दे। ये सुनकर तांत्रिक मुस्कुराने लगता है और उसी वक्त चुड़ैल की चोटी को आंख लगा देता है। देखते ही देखते वो चुड़ैल अपनी चोटी के साथ जलकर राख हो जाती है। चुड़ैल के मरने के बाद निकिता वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं और उसके दोनों हाथ काट कर उस गांव के बाहर भगा देते हैं। इस तरह उस गांव से दहशत हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और सभी लोग फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों कुल्फी वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि निकिता की तरह अपने फायदे के लिए दूसरों के साथ बुरा करने वाले लोगों का अंजाम बहुत बुरा होता है और आखिर में उन्हें अपने किए की सजा भुगतनी ही पड़ती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है सलवार सूट वाली चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सलवार सूट वाली चुड़ैल की कहानी। एक बार की बात है, एक बड़ी झील के किनारे एक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल सलवार सूट पहनती थी, इसीलिए सभी लोग उसे सलवार सूट वाली चुड़ैल कहते थे। एक दिन कावेरी सलवार सूट पहनकर कहीं जा रही थी कि तभी उसे चुड़ैल पकड़ लेती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई सलवार सूट पहनकर घूमने की? मुझे सलवार सूट पहनने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? मैंने तो पहली बार
ऐसी चुड़ैल देखी है जो सलवार सूट से नफरत करती है। देखिए चुड़ैल जी, आप तो एक चुड़ैल हैं, आपको सलवार सूट से क्या लेना देना। सालों पहले मेरी एक सहेली ने सलवार सूट के लिए धोखे से मेरी जान ले ली थी। तब से मैं सलवार सूट पहनने वाली लड़कियों से नफरत करती हूँ। लेकिन चुड़ैल जी, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे छोड़ दीजिए। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेरे अंदर सलवार सूट वाली लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा है। उसके बाद वो चुड़ैल कावेरी की दोनों आंखें निकालकर उसे अंधी करके वहां से भाग जाती है। इस तरह वो चुड़ैल सलवार सूट पहनने वाली लड़कियों को बदसूरत बनाकर अपना गुस्सा उतारती थी। फिर एक दिन नयनतारा अपनी दो सहेलियों के साथ बाजार से शॉपिंग करके लौट रही थी। उन तीनों लड़कियों ने सलवार सूट पहन रखे थे। हमें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, कहते हैं यहाँ सलवार सूट वाली चुड़ैल भटकती है। तू नए जमाने की लड़की होकर चुड़ैल से डरती है? मुझे देख, मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरती, और वैसे भी अगर कोई चुड़ैल आ गई तो मैं उसे दो चांटा लगाकर यहाँ से भगा दूंगी। इतना कह कर नयनतारा हंसने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसके सामने चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। क्यों रे लड़की, तू मुझे चांटा मारने वाली है? मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे चांटा मार के दिखा। ये सुनते ही नयनतारा की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। नहीं नहीं चुड़ैल जी, मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि आप सच में यहाँ आ जाओगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा कभी आपका मजाक नहीं उड़ाऊंगी। माफी का शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। ऊपर से तुम तीनों ने सलवार सूट पहन रखा है, इसीलिए अब मैं तुम तीनों को बदसूरत बना दूंगी। तीनों लड़कियां चुड़ैल के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगती हैं, लेकिन चुड़ैल उन तीनों को गंजी करके वहां से भगा देती है। इस तरह चारों तरफ सलवार सूट वाली चुड़ैल का खौफ फैला जाता है। वहीं पास में पंखुड़ी नाम की एक लड़की सलवार सूट बेचने की दुकान चलाती थी। धीरे धीरे चुड़ैल के डर से लड़कियां पंखुड़ी की दुकान से सलवार सूट खरीदना बंद कर देती हैं। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? सलवार सूट वाली चुड़ैल के डर से सभी लड़कियां सलवार सूट पहनना बंद कर दिया है। मुझे कुछ करना होगा, वरना एक दिन मेरी दुकान पूरी तरह बंद हो जाएगी। फिर अगले दिन पंखुड़ी एक तांत्रिक के पास जाकर उसे अपनी परेशानी बताती है। तांत्रिक अपने जादुई गोले में देखकर चुड़ैल के बारे में सब कुछ पता कर लेता है। जब वो चुड़ैल जिंदा थी तब उसकी एक सहेली ने सलवार सूट के लिए उसे मौत के घाट उतार दिया था। जब तक वो चुड़ैल का बदला पूरा नहीं होता वो यहाँ से नहीं जाने वाली। तुम्हें उसकी धोखेबाज सहेली को पकड़कर चुड़ैल के हवाले करना होगा। मैं अभी तुम्हें उसका पता बताता हूँ। फिर तांत्रिक से चुड़ैल की सहेली का पता लेकर पंखुड़ी उसके घर पहुँच जाती है। पंखुड़ी ने जानबूझकर सलवार सूट पहन रखा था। वो चुड़ैल की सहेली को किसी बहाने से जंगल की तरफ ले जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद चुड़ैल उन दोनों के सामने आ जाती है। फिर चुड़ैल अपनी सहेली का गला पकड़ लेती है। मैं तुझे कितने सालों से ढूंढ रही थी, आखिरकार आज तू मुझे मिल ही गई। अरे नहीं, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो तुम्हारी सहेली हूँ। तेरे जैसी धोखेबाज सहेली की वजह से आज मैं चुड़ैल बनकर भटक रही हूँ। अब मैं तुझे मार कर अपना बदला पूरा करूंगी। उसके बाद चुड़ैल अपने हाथों से अपनी सहेली का गला काटकर उसे मार देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लड़की, तुमने इस धोखेबाज को यहाँ लाकर मेरा बदला पूरा करवाया है। आज के बाद किसी भी लड़की को डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ हमेशा के लिए दूर। इतना कहते ही वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। उस दिन के बाद से चुड़ैल का खौफ पूरी तरह खत्म हो जाता है और सभी लड़कियाँ फिर से सलवार सूट पहनना शुरू कर देती हैं, जिस वजह से पंखुड़ी की दुकान फिर से चल पड़ती है।
तो आपने देखा दोस्तों सलवार सूट वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच में आकर कभी भी अपने दोस्तों के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ज्यादा दिन तक बच नहीं पाते, एक ना एक दिन उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।